अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ घूमने कुवैत में फरमानिया। यहाँ पे मेरे मतलब दिलदार नगर के 4-5 लड़के रहते हैं हमारे गांव के, तो उनसे मिलने आया हूँ। ग्रैंड हाइपर के बाहर हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ ये लोकेशन पर कैसा है फरमानिया जगह, ये भी दिखाता हूँ आपको। इधर सारे सोने की दुकानें हैं, देखो। और यहाँ पे हर एरिया में आपको ग्रैंड हाइपर मिलेगा देखने के लिए, हर जगह है ये। ये रहा एक ग्रैंड हाइपर, एंट्री कर लिया मैंने। विंटर सीजन चल रहा है आजकल, तो बच्चों के लिए लगा हुआ है विंटर का, क्रिसमस नहीं चल रहा। सोने की चमक है यहाँ, इंडिया से सस्ता है। होनी फोन ग्रैंड हाइपर घूम ले, अब कहीं और घूमते हैं। ये है कमसार के लड़के हमारे। डबल टेकर बस का मजा लेंगे ना, सीधा सेकंड मंजिल, ये का अलग मजा है। इंजन का बस एकदम पानी नियर चला हुआ था, और पहुंचे में टाइम नहीं गया, लगा ना ट्रैफिक में ना कुछ। बस एंजॉयसिंग कर रहे हैं सर। इंडिया करना रहे हैं, मजबूत रहना चाहिए। दूसरी बात आउट जो साइड पर बैठे लगा पक्के बात नहीं है।
तो फरमानिया से अब मैं आगे घूमने कसमन यहाँ पे जा रहा हूँ देखने अपने कमसार वाले भाई के साथ। मौसम आज अच्छा है और फिर हम लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ कुवैत में वहाँ पे बीच आ जाता है, पूरा एरिया ये बीचों वाला है। बट काफ़ी खूबसूरत जगह है। कुवैत बीच है ये। कुवैत बीच पे लोग मच्छी भी पकड़ रहे हैं, सारे जुगाड़ है लोगों के पास। अब जा रहा हूँ कुवैत टावर देखने, बुर्ज खलीफा देखा है,
इंडिया कुतुब मीनार देखा है, अब कुवैत टावर देखूँगा, इसमें क्या खासियत है। और अपना ग्रुप है बिल्ला नगर कमसार का, ये भाई ब्लॉगिंग कर रहा है हमारी तरह। ये कुवैत टावर का बाहर का नज़ारा है, तो भाई ये है कुवैत टावर, जैसे बुर्ज खलीफा है दुबई का और इंडिया का कुतुब मीनार, वैसे ही कुवैत का कुवैत टावर। और ये आज पता नहीं बंद है, और इसके अंदर जाने का 3 किलो लगता है, लेकिन आज बंद है, किस्मत ख़राब है लग रहा। लेकिन अंदर से भी क्या है, जैसे कुतुब मीनार के अंदर गए, बुर्ज खलीफा के अंदर गए, कुछ खास नहीं बट चार्जेबल है, ऐसे इसके अंदर आप जा नहीं सकते इसके टॉप पे। और ये इसका बाहर का नज़ारा है कुवैत टावर का, और ये सामने कुवैत टावर है हमारा। और अगर आप कुवैत सिटी में आ रहे हैं तो ये सारा आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, एक साथ ही सारी चीज़ें हैं, तो देख सकते हो आप लोग। तो कुवैत बीच के साथ साथ कुवैत टावर का भी नज़ारा ले सकते हो, ये सामने हमारे। और हमारे कमसार के बंदे देखो फोटो खिंचवा रहे हैं, हाँ बिल्कुल कुवैत टावर देख लिया। आप रूम पे चलते हैं, थक गए, 5 बज गए शाम का, चलो चलो। भाई ये आगे हम कुवैत टावर के बीच बीच, चलते हैं पुल के उसके आर पार। आओ आओ आओ, पुल का मजा लेवल जाओ, मच्छी का भी आनंद ले रहे हैं, पकड़ रहे हैं लोग। हाय, वीडियो तो ये आ गए हम कुवैत टावर के बीच बीच, और बीच देख रहे हैं।
क्वेट टावर घूमने आओगे तो क्वेट टावर के साथ सब बीच भी देखो और मच्छी भी पकड़ो, यहाँ सारी सुविधाएं। लोग मच्छी पकड़ रहे, मार रहे हैं, दिखाता हूँ, सारा जुगाड़ है। ये देखो और यहाँ पे कमसार का फोटो शूट चल रहा है। चला चला ला जा ला जा। तो कुवैत सिटी से और क्वेट टावर देखने के बाद हम लोग आए मुर्गाफ में, यहाँ पे खाएंगे खाना मस्त और फिर उसके बाद जाएंगे घर। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो तीन पार्ट में आएगा आपको, एक एक दिन एक एक तो आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द अपलोड करूँगा ये एडिट करके इंशाल्लाह। अल मदीना उम्रा सेवा में भाई चिकन कढ़ी भेजा, कीमा पाया, कलेजी और फिर उसके बाद में मटन मसाला, चिकन मसाला, सूखा गोश्त, फिर आज भिंडी गोश्त है। इतना आइटम बता देंगे भुला जाएगा। चिकन कढ़ाई ठीक है, इतना चले भाई वो बंद पैक करा के ले जाते हैं घर पे, घंटे दो घंटे बाद खा लेते हैं। अभी 10-15 मिनट हुआ बंद। लाओ ना खिचड़ी प्रसाद करेंगे। अच्छा है।
कंडीशन में बढ़िया बड़का बड़का वाला इसी तो गालियां खाता है भाई बाहर से रख ठीक है तो भाई खाना खा लिया लगभग 4 KG कपड़ा जो इंडिया का 1500 के आसपास होता है और एक बिरयानी और कढ़ाई और रोटी सब खा लिया गाजर का हलवा गुलाब जामुन खाना खाने के बाद अब कमसार के लोग हम लोग ढूंढ रहे पान की दुकान मतलब कुवैत में भी पान की दुकान मिल जाएगी वाओ देखते हैं यहाँ का पान कैसा है बनारसी पान फेमस है हमारे इधर का मार्केट भी है थोड़ा इधर अद्भुत आइडिया बा ये कुवैत में बॉम्बे बाजार मार्केट देख रहा है सुपर दिल्ली में कहाँ है तो संगम बिहार लेवे के बा सोच रहा हूँ भांजी के लिए खिलौना ले लूं ये वाला हेलीकॉप्टर इसका तो उड़ा कंट्रोल करते हैं उड़ाओ जाएगा ये वाला उसे खुलना पड़ता है बैटरी डालना मुश्किल राउंड करेगा अच्छा ये मिनहल के लिए और ये बंद नहीं करोगे तो नहीं होगा ये ले लेते हैं फातिमा के लिए भाई घूमते घूमते दिन से रात हो गया और बच्चों के लिए सामान भी ले लिया अब लास्ट एक बचा है पान खा के फिर अपने रूम पे चलेंगे इंडिया में पान नहीं खाया कुवैत में पान खा रहे हम फाइनली कुवैत में पान भी मिल गया ये ट्राई करते हैं तो मैं रूम पे आ गया और आज कुवैत टावर भी देख लिया अपने कमसार के भाइयों से मिल लिया भाई बंधु से तो आज काफ़ी इन्जॉय किया खाना खाया पिया बाहरी और 3-4 जगह भी देख लिया और अपने भांजों के लिए मैंने गाड़ी खिलौने भी ले लिए और यहाँ पे बनारसी पान भी मिल गया आज काफ़ी इन्जॉयमेंट रहा अब अपना पान खा लेते हैं हम यहाँ पे कैमरा लगाते हैं तेरा हेलीकॉप्टर उड़ने वाला ये घर का बुफार और ये आ गया बनारसी पान ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये हर जगह हर एक चीज़ मिल जाता है
वो भी मीठा वाला पान है। पान वैसा खाता नहीं बट मैंने ट्राई कर लिया, बहुत कम 3-4 बार खाया होगा मैं, इस बार खाया तो अगली बार सीधा अपनी शादी में खाऊंगा पान। और ये आ गया मेरा माहिन का हेलीकॉप्टर उड़ने वाला। और ये आ गया मोटर कार, एक फातिमा, मिनहल और एक माहिन, तीनों के लिए सबके लिए हो गया। हम बस मेरे को मिठाई लेना घर के लिए, उसके बाद मेरी सारी शॉपिंग। तो आपको एक गाड़ी चला के दिखाता हूँ एक कैसे चलती है, क्योंकि चेक करना भी ज़रूरी है, कहीं ख़राब होगा तो वापस कर देंगे, क्योंकि बहुत कीमती है, काफ़ी पैसे खर्च हो गए इनके चक्कर में, इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसको चला के देखते हैं हम। सिम। तो ये होने वाला है हमारा 7-ऑन-ऑफ है, बैटरी का भी पंगा है इसमें। तो बैटरी लगाते हैं, बैटरी वाली चलती है, 3 बैटरी लगेगा इसमें, एक तो हो गया। वाओ, ओह छलांग ना मार दी है, क्या चल रही है, यहाँ चलाते इसको। लड़ेगी लड़ेगी लड़ेगी, खुद ही मुड़ जाती है देख। सही है ना, तगड़ी है। यह है फातिमा का, अब इसकी इसको चलाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसकी पैकिंग देखते हैं, ये भी बैटरी वाली होगी ना, वाह सब वही है, सेम वही वैसी होने की। तगड़ी है बे, चलेगी नहीं जा, बस ओपन होती है। डांसिंग है ये, चलेगी चलेगी, नीचे उतारो, नीचे उतारता हूँ फिर क्या पता चलेगा।
ना चाहिए बस। चलने वाली नहीं है, है? डांसिंग कर रहे हैं। पुलिसिया कर रहे हैं, ओपन ही होगी, नहीं चलेगी। अब बारी है माहिन के हेलीकॉप्टर चलाने की। माहिन का हेलीकॉप्टर देखते हैं कैसे उड़ता है। कैमरा पहले रख देते हैं इसे। ये उड़ेगी हेलीकॉप्टर भागेगी, समझा? ये भागेगी भाई, इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो भाई बता, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे दोनों भाई इसको। ये चार्जेबल है, जैसे कैमरा जैसे फोन चार्ज होता है ना। ये देख, ये आ गया हेलीकॉप्टर माइन का, ये आ गया चार्ज करने वाला, और ये आ गया रिमोट। चेक करता हूँ पहले, नीचे देखो ऑन करने वाला आवाज़ में भी है कुछ। बैटरी वाला सिस्टम है, बैटरी भी है चार्ज भी होता है। बैटरी भी इसमें पड़ेगी ना, चार्ज ही होगा, चार्ज है वो। रुक जा, ऑन ऑफ इधर भी है, वही देख। ये है ना, भागी बहुत तेज भागा यार ये तो। पकड़ियो पकड़ियो पकड़ियो, ठीक है। असली का हेलीकॉप्टर होता तो क्या होता, नीचे रख नीचे रख नीचे रख, उड़ा पटक मत पटक मत, उठा फिर उठा। ये नकली हेलीकॉप्टर नहीं चल रही भाई, इतना ही रख इतना ही रख इतना रख, माइंड खुश हो जाएगी, माइंड खुश हो जाएगी। माइंड चले देख, मामू हेलीकॉप्टर ला रहा है ना। वाह नाइस, क्या बात है क्या बात है, स्टार्ट। वाह माइंड देखते रहे मामू क्या ला रहा, नाइस। अरे वाह अमेजिंग, उड़ा उड़ा, वाह। पंखा टूट जाएगा, रुक 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 रुक। मान कर मान कर, तो ले जाने से पहले मत छोड़ना। ये तरसी क्यों भाग रही है बेटा, क्या निकल रहे थे पुर्जे पुर्जे मिल जाएंगे। एक बार इधर इधर ऐसे कर, पूरी वीडियो तो बिगाड़ दी तुमने। माहिन को हेलीकॉप्टर देने से पहले मामू टेस्ट ड्राइव लेगा हेलीकॉप्टर का। ये उड़ा माहिन का हेलीकॉप्टर, उड़ा। अरे उसको चलाना कंट्रोल, कांड हो गया लग रहा मुझे उसका। ये तो है। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चीजें शॉपिंग हो गया। माहिन का हेलीकॉप्टर खतरनाक है, मेरी भांजी का, मीनाल का भी सामान अच्छा है, फातिमा का भी। तो सारी तैयारी हो गई, दो चार दिन में मैं आने वाला हूँ इंडिया, फिर मैं सबका सामान दे दूंगा। माहिन ज़्यादा इंतज़ार कर रही होगी और सारा झूम लिया, बस।
अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।